नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार पहुंचे भागलपुर, न्यायालय परिसर में किया वृक्षारोपण। सरहद पर देश की रक्षा करते शहीद कमलेश के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, अमर शहीद के नारों से गूंजता रहा नौबछिया। विरासत भवन शताब्दी वर्ष को लेकर प्रधान डाकघर में राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ की हुई स्थापना, कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। बच्चा चोरी की अफवाह में मॉब लिंचिंग का शिकार होते बची महिला, ग्रामीणों की सूझबूझ से टला हादसा। और TNB कॉलेज में अंतर महाविद्यालय खेल टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ, शुक्रवार को होगा फाइनल मैच। और अब खबर विस्तार से। अपने 3 दिनों के प्रवास को लेकर पटना हाईकोर्ट के जस्टिस सह भागलपुर के निरीक्षी न्यायाधीश संजय कुमार बुधवार की शाम भागलपुर पहुंचे, जहां गुरुवार की सुबह न्यायाधीश ने कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश परिसर में सुरक्षा की जानकारी जिला जज से ली। इसके बाद न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में बने कैंटीन का उद्घाटन फीता काट कर किया और पर्यावरण अभियान को लेकर न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया। 3 दिनों तक प्रवास के दौरान न्यायाधीश कहलगांव और नगछियाकोट का भी निरीक्षण करेंगे। इस मौके पर जिला जज अरविंद कुमार पांडे, DBA अध्यक्ष अभयकांत झा, न्यायालय कर्मी एवं अधिवक्ता मौजूद थे। सरहद की रक्षा के दौरान कश्मीर में शहीद हुए बीपुर के सिमरी बख्तियारपुर निवासी 19 वर्षीय शहीद कमलेश कुमार सिंह के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा बीपुर बस स्टैंड से निकलकर नगर भ्रमण करते हुए खरीक पहुंचकर संपन्न हुआ। तिरंगा यात्रा में स्थानीय युवाओं के साथ सभी दलों के जन प्रतिनिधि शामिल हुए। यात्रा के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद और शहीद कमलेश अमर रहे के नारे गूंजते रहे। यात्रा का संचालन सानू सनगही, रुपेश कुमार, सोनू चौधरी, आलोक सावर्ण और गुलशन चौधरी ने किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नम आंखों से शहीद कमलेश की शहादत को नमन किया। तिरंगा यात्रा के दौरान खरीक, बीपुर एवं झंडापुर थाना की पुलिस मौजूद थी। लोग गौरवान्वित हैं और दुख की बात यह है कि हमारे भारत माता के वीर सपूत शहीद होते हैं, लेकिन हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करने एयरपोर्ट नहीं जाते हैं। इसलिए हम लोग ने सोचा अगर सरकार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी जाएगी तो भागलपुरवासी, पूरे बिहारवासी, पूरे भारतवासी उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य करेंगे। और आज यहाँ पर हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल कर ये संदेश देना चाहते हैं अपने जवानों को, घबराने की जरूरत नहीं, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। भागलपुर के घंटाघर स्थित प्रधान डाकघर विरासत भवन के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। गुरुवार को प्रधान डाकघर परिसर में 60 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन झंडोत्तोलन कर पोस्ट मास्टर जनरल पूर्वी बिहार अनिल कुमार ने किया। इस दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद समारोह में पहुंचे अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और बुके देकर किया गया। समारोह के दौरान पोस्ट मास्टर जनरल ने कहा कि शताब्दी वर्ष 1 वर्ष तक मनाया जाएगा, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पूर्व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ हुआ था, जिसमें अब तक 1 करोड़ लोगों ने अपना खाता खुला। साथ ही उन्होंने कहा कि डाकघर की ओर से आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसमें सिर्फ अंगूठे से किसी भी बैंक के खाता धारक अपनी जमा राशि को निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी डाकघर द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी दी। भारत में जितने भी डाकघर हैं उसमें से सबसे ऊँचे जो फ्लैग मास्ट है उसका हम लोग शुरुआत की उद्घाटन किए हैं, शुभारम्भ किए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि ये झंडा जो है, ये झंडा जहाँ भी रहता है, चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे स्कूल के मैदान में हो, चाहे जहाँ भी हो, जब एक खिलाड़ी जीतता है तो सबसे अप्रतिम घड़ी ये होती है जब वो झंडा फहराता है। तो ये झंडा इसलिए है कि हमें प्रेरित करेगा, दूर दूर से पूरे भागलपुर को जब भी नजर जाएगा तो एक प्रेरणा का स्रोत होगा। भागलपुर के नाथनगर में बच्चा चोरी की अफवाह में ग्रामीणों की सूझबूझ से मॉब लिंचिंग की घटना होने से बच गई। दरअसल मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक महिला को पकड़ लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में बच्चा चोर की अफवाह फैल गई और लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ गई। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने सूझबूझ से काम लेते हुए महिला को मधुसूदनपुर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन भीड़ थाना परिसर भी पहुंच गई। महिला की पहचान रामपुर खुर्द के राजपूत टोला निवासी शेखर सिंह
उनकी पत्नी के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना पहुंचे पति ने पत्नी के मानसिक रूप से बीमार होने की बात कही। शेखर सिंह ने बताया कि मौका मिलते ही वह घर से भाग जाती है, जिसके कारण काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। बोले थे बजरंग बली को, तो बजरंग बली बोले क्या कि अच्छा ठीक है, हम बोले क्या कि पांच घर मान करके अब बजरंग बली का पूजा करेंगे, भागवत भंडारा करवाएंगे, बस उसी में चल गए पांच घर मने हम लेने खाती प्रसाद के रूप में। वो भी गेट लगा था तो गेट खोल करके दीदी चाचा कह के वही सब दिया था। बस वो बोले क्या कि ना कि नहीं तो लकड़ सुंघा छ तो बच्चा पकड़े थे तो किडनी काटे थे हमारा। भागलपुर TNB कॉलेज में एथलेटिक्स यूनियन की ओर से अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल और खो खो के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने किया। इसके बाद भूषटा अध्यक्ष प्रोफेसर DN राय, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर मुस्फिक आलम, डॉक्टर सुमन कुमार समेत कई शिक्षक और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर शुभकामना दी। प्रतियोगिता को लेकर एथलेटिक्स यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर मुस्फिक आलम ने कहा कि वॉलीबॉल में 10 टीम ने हिस्सा लिया है, जबकि खो खो में 4 टीम भाग ले रही है। वहीं TNB कॉलेज के मेजबानी में चल रहे टूर्नामेंट में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों की टीम ने भाग लिया। वहीं SM कॉलेज और मारवाड़ी कॉलेज के बीच खेले गए बैडमिंटन सिंगल एवं डबल्स मुकाबले में SM कॉलेज ने मारवाड़ी कॉलेज को पराजित कर दिया। शुक्रवार को पुरुष वर्ग टूर्नामेंट का फाइनल मैच TNB और मारवाड़ी कॉलेज के बीच खेला जाएगा, साथ ही पुरस्कार वितरण भी होगा, जिसमें TNBU के कुलपति प्रोफेसर AK राय शिरकत करेंगे। मौके पर डॉक्टर श्वेता पाठक, डॉक्टर आशीष प्रिय, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर अनिरुद्ध, अजय राय, मोहम्मद अकरम समेत खेल जगत से जुड़े कई लोग मौजूद थे। आज हमारे कॉलेज में जो अंतर महाविद्यालय टूर्नामेंट हो रहा है बैडमिंटन का, उसमें हमारे यहाँ बॉयज की 5 टीम और गर्ल्स की 4 टीम है, जिसमें TNB कॉलेज, SM कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, महादेव कॉलेज, सारे कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक के समीप होटल संस्कार में प्रबंधन की लापरवाही से युवक शुद्ध पानी की बोतल में रखा तेजाब पी लिया, जिसके बाद युवक की हालत बिगड़ गई। परिजन युवक को लेकर मायागंज अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए सिल्लीगुड़ी रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल ईशीपुर थाना क्षेत्र के बाराहाट निवासी राजकुमार बिहारी को पैरालाइसिस मार दिया था, जिसका इलाज कराने 26 वर्षीय पुत्र रणधीर कुमार अपनी मां के साथ भागलपुर आया था। 16 सितंबर को होटल संस्कार में पिता और मां के साथ रणधीर कमरा नंबर 101 में ठहरा था। इसी दौरान दोपहर में रणधीर को प्यास लगी, जिसके बाद वह पानी लेने होटल के काउंटर पर पहुंचा और मैनेजर को ढूंढने लगा, जिसके बाद रणधीर ने मैनेजर को आवाज देकर पानी के बारे में पूछा, जिसके बाद मैनेजर ने काउंटर के नीचे पानी होने की बात कही। वहीं रणधीर ने बोतल खोलकर पानी पी लिया, जिसके बाद मुंह में तेज जलन और धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर बाद मुंह से खून निकलने लगा, जिसके बाद परिजन उसे मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया। मां सरिता देवी के बयान पर कोतवाली थाना में प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। घटना के बाद होटल प्रबंधन फरार हो गया है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शनिवार को दिन वहाँ छुट्टी दिया, बोला 2 दिन के बाद फिर लेके आइएगा, वो सोमवार के दिन जाने वाले थे। उतने ही में मेरा 12 लड़का रूम में आए, शनिवार को संस्कार होता 101 रूम नंबर आए, उसको प्यास लगा था, पानी मांगे, काउंटर पर पानी नहीं था, कोई सुना नहीं, आके अपने से आवाज़ दिए बाहर, बोले काउंटर पर पानी रखा हुआ है ले जाओ, वो पानी का बोतल में सर तेजाब था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है।
इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कहलगांव के सनहौला प्रखंड में चल रहे विकास कार्यों की जांच करने उप विकास आयुक्त सुनील कुमार गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां डीडीसी ने सात निश्चय योजना के तहत चल रहे कार्यों की जांच वार्डों में घूमकर किया। इस दौरान डीडीसी ने लाभुकों से बात की और हर घर नल जल योजना के तहत मिले शिकायत को लेकर संवेदक को फटकार लगाई। वहीं कई ग्रामीणों ने संवेदक द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने की शिकायत की। इसके बाद डीडीसी ने इंदिरा आवास, मनरेगा, शिक्षा, शौचालय सहित कई योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर वीडियो अरविंद कुमार, सुभाष कुमार, मुखिया मंजर आलम सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सारिक खान नवाब के नेतृत्व में सनहौला प्रखंड कांग्रेस कार्यालय से साइकिल मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए मोटर एक्ट के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 10 गुना चालान वसूल कर लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि किसानों की समस्या पर सरकार केवल बयानबाजी करती है। किसानों के फसल के मूल्य वृद्धि के बारे में भी सरकार पहल करे। इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के आनंद राम ढंडानिया सरस्वती विद्या मंदिर में CBSE की ओर से अंग्रेजी की 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन पटना से आई रिसोर्स पर्सन रश्मि प्रिया एवं किस्मत आरा ने किया, जिसमें जिले के 13 स्कूलों के 20 प्रतिभागियों को अंग्रेजी के विभिन्न कौशल एवं तकनीक के विकास के साथ शिक्षकों में शिक्षण कौशल बढ़ाने को लेकर जानकारी दी गई। रिसोर्स पर्सन ने कहा कि शिक्षकों में शिक्षण कौशल बढ़ेगा तो बच्चों को आसानी से अंग्रेजी की शिक्षा देने के अलावा उसे अंग्रेजी के महत्व के बारे में बता सकेंगे, जिससे बच्चों में अंग्रेजी के प्रति रुचि बढ़ेगी और बच्चे अपनी दक्षता के बल पर आगे बढ़ सकेंगे। इस दौरान रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, स्टोरी राइटिंग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। स्कूल के प्राचार्य मनोज कुमार मिश्र ने कहा कि सभी भाषाओं की तरह अंग्रेजी का भी विशेष महत्व है और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम से बच्चों में अंग्रेजी के प्रति रुचि जगाने और इससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी मिलती है। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र कर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज कुमार मिश्र, रिसोर्स पर्सन रश्मि प्रिया, किस्मत आरा ने किया, जबकि विद्यालय के कई शिक्षकों ने भी अंग्रेजी के विकास से संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर कई विद्यालय के शिक्षक प्रतिभागी मौजूद थे। ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो CBSE ऑर्गेनाइज करा रही है पूरे देश में। इसमें स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम में हमने 9th और 10th के टीचर्स को किस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ साथ उनकी टीचिंग को, स्किल को, नॉलेज स्किल को बढ़ाने के लिए, उनके इन्हांस करने के लिए टेक्निक्स बताई गई हैं, जैसे रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर, लिटरेचर, इन सब के बारे में उन्हें बहुत सारी बातें बताई गई। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कैसे क्लास को बहुत ही वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कैसे अपनी पढ़ाई को और अच्छा बना सकते हैं। भागलपुर के पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नरगा कोटी में क्षेत्रीय प्राध्यापक दक्षता वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय, प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद, DSW प्रोफेसर योगेंद्र महतो, विद्या भारती उत्तर पूर्व के क्षेत्रीय संगठन मंत्री खयाली राम, क्षेत्रीय सचिव दिलीप कुमार झा, प्रदेश सह सचिव प्रकाश चंद्र जायसवाल एवं संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी के डीन प्रोफेसर सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कुलपति अवध किशोर राय ने कहा कि शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास और शिक्षकों की गुणवत्ता कायम रखना है। समाज और देश तेजी से बदल रहा है और हमें अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए ज्ञान की गंगा अविरल बहती रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद ने कहा कि विद्या भारती शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है और समय समय पर दक्षता वर्ग के आयोजन से शिक्षक को अपनी कमियों का पता चलता है और वह
इसमें सुधार के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा विद्या भारती के पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर आदित्य प्रकाश जालान, डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह, रामजी प्रसाद सिन्हा समेत काफ़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। आज जो है से तीन दिन तक 19-20-21 प्राध्यापक दक्षता वर्ग रखा गया है। यह विद्या भारती द्वारा संचालित बीएड कॉलेज जो हैं उन बीएड कॉलेज के सभी प्राध्यापक जो हैं उनके विकास हेतु यह कार्यक्रम रखा गया है। इसमें अपने सिलेबस जो नए सिलेबस हैं उनको पढ़ाने के तरीके, उनके पढ़ाने के मेथड, विधियां क्या हैं, इससे उन लोगों को अभिभूत कराया जाएगा। बेरोजगारी की समस्या को लेकर जन अधिकार युवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर समाहरणालय के समीप धरना दिया। धरना पर बैठे कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित करने, रेलवे और एयरपोर्ट समेत सरकारी कल कारखानों को निजीकरण से दूर रखने की मांग की। इस दौरान जन अधिकार युवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा परिषद के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर युवा प्रदेश उपाध्यक्ष जय प्रकाश यादव, जाप के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार आलोक समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे बिहार में आज जन अधिकार युवा परिषद की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इस धरना का मुख्य उद्देश्य है रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, बेरोजगारों को रोजगार मिले नहीं तो 1,000 रुपया प्रतिमाह भत्ता सुनिश्चित किया जाए और रेलवे एयरपोर्ट ये दोनों को निजी हाथों में नहीं बेचा जाए। इन्हीं दो मुद्दों को लेकर हम लोगों का धरना आज जिला मुख्यालय पर किया। युवा एकता सामाजिक संगठन की बैठक गुरुवार को सैंडिस कंपाउंड में हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने की। इस दौरान स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही नगर निगम प्रशासन के उदासीन रवैये पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। वहीं अध्यक्ष ओम प्रकाश ने मेयर सीमा शाह और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा पर जनहित के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। बैठक के दौरान शहर के साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, शौचालय निर्माण योजना समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में अजय कुमार सिंह, आरिफ आजाद, कामेश्वर मंडल समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। लोहा पट्टी, वैरायटी चौक, आनंद चिकित्सालय रोड और उल्टा पुल आप जाकर देख लीजिए। लोगों का जीवन नारकीय बना हुआ है, लोगों को जीना दुभर हुआ है। लोग अपने घरों से बेबस होकर अपना मैंने इंस्ट्रूमेंट लेकर के लोग खुद नालों की सफाई कर रही है, लेकिन ये नगर निगम के बाबुओं को कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। कोयला घाट में आप देख लीजिए वहाँ नाला का स्थिति क्या है, जंगल बना हुआ है। सैंडिस कंपाउंड में आज 2 महीने से पेड़ गिरा हुआ है, लेकिन मेयर साहिबा और डिप्टी मेयर साहब ये सिर्फ नगर निगम को राजनीति का अड्डा बना के रखे हैं। बैंक से रुपए निकालकर सीएसपी जारे संचालक से हथियारबंद अपराधियों ने 2,30,000 रुपया लूटकर फरार हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अमरपुर के कुल्हरिया निवासी आलोक कुमार झा अमरपुर स्टेट बैंक से सीएसपी के लिए रुपए निकालकर मोटरसाइकिल से सीएसपी सेंटर जा रहा था। उसी दौरान बुच्ची मोड़ के समीप बाइक सवार 2 अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर रुपए से भरा थैला लूटकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित संचालक ने अमरपुर थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के कझिया गांव के समीप हथियारबंद अपराधियों ने महादेव इंकेलब के कर्मचारी के साथ मारपीट कर 400 लीटर डीजल लूटकर फरार हो गया। घटना में घायल कर्मी गोरखपुर के मजूरी गांव निवासी अतुल सिंह और राजस्थान के झूसी गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों कर्मी पिकअप वैन से डीजल लेकर जठौर पॉइंट जा रहा था। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने हथियार के बल पर गाड़ी को रोक लिया और डीजल ले जाने लगा। वहीं गाड़ी पर सवार कर्मी द्वारा विरोध किए जाने पर दोनों के साथ मारपीट की गई। फिलहाल अमरपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन करने की बात कही। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार पहुंचे भागलपुर। न्यायालय परिसर में किया वृक्षारोपण। सरहद पर देश की रक्षा करते शहीद कमलेश के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। अमर शहीद के नारों से गूंजता रहा नौबछिया। विरासत भवन शताब्दी वर्ष को लेकर प्रधान डाकघर में राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ की हुई स्थापना। कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन।
बच्चा चोरी की अफवाह में मॉब लिंचिंग का शिकार होते बची महिला, ग्रामीणों की सूझबूझ से टला हादसा। और TNB कॉलेज में अंतर महाविद्यालय खेल टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ, शुक्रवार को होगा फाइनल मैच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।